हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं विवेक कुमार सिंह प्रतीक के साथ अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन टॉपिक्स पे, एक्सप्लोर व्हाट यू नो। अच्छा, आज जो हम टॉपिक जानने वाले हैं, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो जनरल एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है। दोस्तों, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर डी आई पे कुछ वीडियोज़ बनाइए, बट डी आई को जानने के लिए जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ ये है कि आप सबसे पहले कुछ और चीज़ों के बारे में जाने, जैसे कि डीआई जो आपके एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया और एवरेज हो गया। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनका यूज़ हर टॉपिक में होता है। जैसे परसेंटेज से मैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, एवरेज के क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, एवरेज से मैं डीआई पे जा सकता हूँ, परसेंटेज से मैं डीआई पे जा सकता हूँ, प्रॉफिट लॉस से मैं डीआई पे जा सकता हूँ। तो इन सब बेसिक चीज़ों को जानने के बाद हम डीआई पे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे हमारे क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लेके आया हूँ वो है हमारा प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम खोए हुए। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, देखिए कंसेप्ट हम देखते हैं यहाँ पे। सपोज करिए आपको कोई कहता है कि भाई मेरे 20% आए हैं 200 में। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पे x बाई 200 इंटू 100 इक्वल टू 20 इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, देखिए 200 दिया है, ये 20% है, ठीक है। तो जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है आपकी 100%, ठीक है। यानी कि 20% को अगर मैं 100 के साथ दो बार मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 20 + 20 कर दूँ, ठीक है, 20 + 20, यानी कि 100% + 100%, तो ये तो 200% हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 40। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि देखिए जैसे 500 में मेरी वैल्यू आ रही है 60%, तो देखिए 100% इंटू 5 करेंगे, 100 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो 500 हमें मिलता है। ऐसे इसी तरीके से अगर 60 इंटू 5 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 300। और देखिए 300 बाई 500 इंटू 100 इट विल बी इक्वल टू 60, ठीक। तो इस तरीके से हम चीज़ ध्यान रखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ 450 में मेरे 25% आ रहे हैं, 450 में मेरे 25% आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 100 इंटू 4 तो कर रहे हैं, प्लस क्या है यहाँ पे 50 इंटू 1 है। तो इसी तरीके से हम देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 25 इंटू 4 और 12.5 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 112.5, ठीक है। तो ये कुछ तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। तो देखिए एक तरीका क्या होता है, जैसे कि अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई है, ठीक है, हमें कोई वैल्यू दी हुई है, उसका इक्विवेलेंट क्या है, उसका इक्विवेलेंट क्या है वो हम यहाँ पे, वो हम यहाँ डिवाइड पे रख देते हैं, ठीक है, ये हम इसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब दी हुई जो वैल्यू है हमें उसका कुछ इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए दी हुई वैल्यू है उसका कुछ इक्विवेलेंट वैल्यू होगा और उसको इंटू कर दीजिए, किसके साथ, उसको हम इंटू करेंगे जो वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, देखिए ये वाली बात को हमें ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, कि जो वैल्यू हमें दी गई है उसका कुछ इक्विवेलेंट होगा, उसको उसे डिवाइड करेंगे, और जो वैल्यू हमें निकालनी है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए सपोज करिए पहला क्वेश्चन ये है कि 59% ऑफ अ नंबर इज 760 मोर देन द 40% ऑफ द सेम नंबर। देखिए 760 दिया है, ठीक है, यानी कि 760 हमें वैल्यू दी हुई है, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, 59% ऑफ अ नंबर इज मोर देन 40%, यानी कि 59 - 40, और निकालना हमें क्या है, इंटू 25% निकालना है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 760 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 25, ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपकी 40 इंटू 25 कर लीजिए 1000, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए कितना आसान रहा है इसको, दी हुई वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है और जो वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स ऑन अ पर्टिकुलर डे, ही सोल्ड 36% ऑफ द एप्पल्स एंड ही स्टिल रिमेन विद 448 एप्पल्स, ठीक है। तो कह क्या रहा है यहाँ पे, देखिए उसने 36% एप्पल सोल्ड किए, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे ही सोल्ड 36% एप्पल्स, 36% ऑफ द एप्पल्स एंड ही स्टिल रिमेन्स विद द 448 एप्पल, यानी कि वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 448 दी हुई है। देखिए अब कह क्या रहा है, 448 किसके इक्वल होगा, 36% हमने सोल्ड की थी, 36% सोल्ड की थी, बट बचे कितने हैं, 448, यानी कि 100 - 36, यही वैल्यू तो 448 के इक्वल हुई, ठीक है। और हमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स निकालने, सॉरी
कितने हमने सोल्ड किए, सोल्ड कितने किए थे, 36%। तो यहाँ 36 मैं रख देता हूँ, ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 448 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 64 इंटू 36। अब 64 को हम मेरे ख्याल से यहाँ से इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, तो इसको काटने के लिए हम डिवाइड करते हैं 7 से, ये हो जाएगा 7 से मेरे ख्याल से, 728 टू 42, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 473 21, 252, ठीक है, यानी कि 252 एप्पल्स इसने बेचे और 448 टोटल, 448 बचे थे, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 90। तो हमें सारी वैल्यू पता लगी, टोटल 700 एप्पल लाया था वो, 252 उसने बेचे, 448 बचे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 448 क्या थी, दी हुई वैल्यू, ठीक है। 100 माइनस 36 क्या था, इक्वी वैलेंट वैल्यू, और जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो थी आपकी 36, ठीक है। तो इसको हम यह ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जाम 35% ऑफ द स्टूडेंट अपियर्ड, स्टूडेंट फेल्ड वाइल 1625 स्टूडेंट्स पास्ड, ठीक है। पास होने की संख्या ये थी 1625, फेल होने की अपीयर जो हुए थे वो थे 35% जो स्टूडेंट थे वो हुए थे फेल, ठीक है, ये हम बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फेल 1625 स्टूडेंट पास हुए थे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पास्ड एंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इन द एग्जाम। अब मैं इसको फेल के तरीके से भी कर सकता हूँ, पास के तरीके से भी कर सकता हूँ। देखिए अब चलिए हमें पास की वैल्यू पता है, ठीक है, तो दी हुई वैल्यू क्या है, देखिए दी हुई वैल्यू क्या है यहाँ पे, दी हुई वैल्यू है हमारे पास 1625 पास, ठीक है। 35% अगर फेल हुए हैं, 35% अगर फेल हुए हैं, तो अगर हम 100 में से 35 माइनस कर दें तो ये इक्विवेलेंट वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द पास एंड द फेल्ड स्टूडेंट। तो पास स्टूडेंट कितने हो गए, 65, फेल कितने हुए, 35। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, 1625 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 30, ठीक है। अब इस वैल्यू को आसान करना काफ़ी, इस वैल्यू को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इससे जाएगा, ये गया आपका 2 से, तो 130 इधर आएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 625। तो 625, चलिए इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैल्यू 6 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 13। अब इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ से काटते हैं, 3 32, यानी कि 2 से गया 36, 13 32 26 65, यानी कि 125 into 6, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 5 30 3, 6 12 15 5 1 750, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 750, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका पास और फेल्ड स्टूडेंट्स का डिफरेंस, ठीक है। देखिए कितना सिंपल हो जाता है इस चीज़ को, ये वैल्यू हमें निकालनी थी, बस इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि क्या हमें दिया है, क्या इक्विवेलेंट है और क्या निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजू स्पेंड्स 15% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट, चलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 15%, 20% ऑन फूड, 10% ऑन ट्रैवलिंग, 25% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 5% ऑन मिसकेलिंगस। तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी आपकी, 25, यहाँ पे देखिए 25 + 15 दैट इज इक्वल टू 40, 50 60 65 एंड 75, ठीक है, 75 वैल्यू हो गई। आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंडिचर ही डिपॉजिटेड 625, मतलब जो भी रिमेनिंग हुआ, यानी कि दी हुई वैल्यू क्या हमारे पास, रिमेनिंग, ठीक है। 100 में से अगर हम ये सारा माइनस करते हैं, 15 + 25 = 40, 50 60 70 75, तो 100 - 75 यहाँ पे रख देते हैं, यही तो इक्विवेलेंट हुआ इसका, जो वैल्यू शेष थी वही तो है 6250। और हमें निकालना क्या था, फाइंड हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन फूड एंड हाउस रेंट। देखिए फूड की वैल्यू कितनी थी, फूड की वैल्यू थी आपकी 20, हाउस रेंट की वैल्यू थी 15, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 20 + 15, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6250 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 35, ठीक है। तो अब इसको आसान, बहुत ही आसान है, ये देखिए 250 हो गया यहाँ पे, तो 250 इंटू 35। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट जीरो को लिख लेता हूँ, 5 इंटू 5 मैं कर देता हूँ 25, 2 कैरी है यहाँ पे, 5 टू 10 प्लस 3 इंटू 5 15, यानी कि 10 + 15 25 इंटू 2 7, 2 3 टू 6 एंड 8 8 7 50 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट गेट 80% मार्क्स टू पास, 80% चाहिए पास होने के लिए। हु गेट 210 मार्क्स, स्टूडेंट गेट 210 मार्क्स, फेल्ड बाई 50 मार्क्स। देखिए अगर मैं 210 में 50 को जोड़ देता हूँ तो ये वैल्यू होगी 260, मतलब अगर 260 नंबर आए होते तो वो पास हो जाता, और पासिंग परसेंटेज कितना था आपका, 80%, है ना। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स तो कहते हम 100% ही लेते हैं हमेशा,
ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जीरो से जीरो गया, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.25, यानी कि वे ये वैल्यू आएगी आपकी 325। देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे अगर 210 में 50 मार्क्स और जुड़ जाते तो ये वैल्यू किसके पास पासिंग मार्क्स हो जाती। पासिंग परसेंटेज कितना है 80, 260/80, और टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, मैक्सिमम मार्क्स तो 100% ही होता है, तो 100 को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 325। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज बाय 12% ड्यूरिंग द ईयर 1988। इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द बिगिनिंग ऑफ 1990 इज ऑब्जर्व टू बी 1.2%, फाइंड एट व्हाट परसेंट इट इज इंक्रीज ड्यूरिंग 1989। मतलब कहने का मतलब यह है कि 1988 में किसी की पॉपुलेशन किसी जगह की 12% बढ़ी थी, 1999 में कुछ बढ़ी होगी, सॉरी 1989 में कुछ बढ़ी होगी, और 1990 में जो पॉपुलेशन थी बिगिनिंग में वो 1.2% बढ़ी हुई दिखाई थी। ठीक है, यही चीज दी है हमें। तो अब 1989 की वैल्यू निकालनी, तो इसके लिए सीधी सी बात हम ये करते थे कि 1990 में तो ये वैल्यू थी हमारे पास 1.2, ठीक है, 1988 में 12 प्लस एक्स प्लस 12 इंटू एक्स बाई 100। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसका आगे एप्लीकेशन भी बताऊंगा मैं। देखिए 1.2 इक्वल टू 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स प्लस यहाँ से वैल्यू कितनी चली जाएगी, ये हो जाएगा 6.50, ये हो जाएगा 3.25, 3x/25। इस वैल्यू को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.2 × 25। 1.2 × 25 का मतलब क्या हुआ, 25 में मैं 25 प्लस कर दूं और 25 × 2 0.5, ठीक है, 25 × 2 यानी कि 0.5। चलिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 25 × 1.2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2 × 5 = 10, 0 = 1, 2 × 2 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 1 = 0, 1, 2 × 1 = 2 = 3, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी 30। ठीक, देखिए यही पे यहाँ पे मैं गलती कर रहा था, इसको हम पहले करते हैं, से मैं आपको यहाँ पे चीज़ सिखा देता हूँ। हम करते 25 × 1 प्लस 25 × 0.2, ये माइंड कैलकुलेशन होनी चाहिए थी। 25 × 1 = 25 होता, 25 × 0.2 कितना होता 5, तो 25 + 5 = 30 हो जाता वो वैल्यू। तो ये वैल्यू आएगी आपके यहाँ पे 30 इक्वल टू 12 × 25 यानी कि 300 प्लस 25x प्लस 3x यानी कि 28x। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू आप सॉल्व करिएगा, आपको आगे आएगी। अब देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल। देखिए सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है आपका 2πr और एरिया होता है आपका πr². ठीक है, अब यहाँ पे r² की बात करें कि जो r था आपका वो रिड्यूस कर रहा है 20%। तो एरिया हम कैसे निकाल लेंगे यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन एरिया, देखिए डिपेंड किस पे कर रहा है, एरिया r² पे, r² को हम क्या लिख सकते हैं, r × r। ठीक है, डिक्रीज कितना कर रहा है 20, यानी कि -20 -20। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या किया था, उसके बाद हमने 20 × x × x/100 यानी कि प्लस, क्योंकि माइनस माइनस है दोनों, 20 × 20/100, तो ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी -40 प्लस 400/100, तो ये वैल्यू ऐसे काटते हैं यानी कि -36%, यानी कि एरिया में जो रिडक्शन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा -36, यानी कि 36% रिडक्शन इन एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man had rupees 39200 in his locker. During first year he deposited 25% of the amount in his locker. यानी कि 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब हुआ कि 1/4 उसने निकाल दिया। अच्छा निकाल दिया तो हम इसको ले लेते हैं -1/4। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। In his locker, while during next year he deposited 28 4/7% of the increase amount. अब इसने डिपॉजिट किया है दोबारा से, इसका जो इंक्रीज परसेंटेज आया 28 4/7 का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका 78 6 6 196, यानी कि 200/700, यानी कि 2/7 डिपॉजिट किया है तो ये -2/7, यानी देखिए दो वैल्यू आ गई -1/4 -2/7। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/4, -1/4 को 3/4 लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 में माइनस करूँ, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/7। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको दी है वो आपको दी है 39200। ठीक है, 39200 वैल्यू दी है। अच्छा इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी है, 3 × 5, और दी हुई वैल्यू क्या है,
जो वैल्यू निकालनी है 4 × 7, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 39200 डिवाइड बाई 15 × 28, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 से क्या 30, 9 × 6 90, 20 1, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 261 × 28 जो भी वैल्यू आएगी, पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी आपको वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो टोटल वैल्यू आएगी ये आप करेंगे -39200, तो वो वैल्यू आएगी आपकी फाइंड द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाई हिम ड्यूरिंग अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,08,000। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज बाई 66 2/3%। देखिए 66 2/3% को क्या लिख सकते हैं, 3 6 18, 1 198, 2 यानी कि 200/3, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है, तो चलिए हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, डिक्रीज बाई 16 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 50/300, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6, डिक्रीज कर रहा है तो हम इसको ले लेते हैं -1/6। तीसरा क्या है, ड्यूरिंग थर्ड ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 33 1/3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीज कर रहा है तो यानी कि ये वैल्यू हो गया यहाँ पे प्लस। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 3 ईयर्स। देखिए ये सारी वैल्यू हमारे पास है, यानी कि इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1 हम यहाँ पे ऐड करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/3, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/6, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4/3, ठीक है। जो पहले स्टार्टिंग में वैल्यू थी वो थी आपकी 1,08,000, ठीक है। उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी थी, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या थी, 5, ये वाला 5, ये वाला 5 और 4, 5 × 5 × 4, और जो अब वैल्यू आनी है 3 साल के बाद वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 6 × 3। तो ये वैल्यू बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, आप इसको कोशिश करिएगा वैल्यू क्या आ रही है तो वैल्यू हमें पता लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित रिसीव्ड अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम हिज फादर, ही स्पेंट 20% ऑफ द अमाउंट, यानी कि 20% उससे वैल्यू निकल चुकी है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/5, ठीक है। 1/3 ऑन द रिमेनिंग ऑफ स्टेशनरी, यानी कि -1/3। 16 2/3 ऑफ द अमाउंट ऑन फूड, 16 2/3 भी निकाल देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/3, 50/3 यानी कि -1/6, और ऑफ द अमाउंट ऑफ फूड, एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन अदर एक्सपेंसेस, यानी कि -1/4, और ठीक है। चलिए अब इन सबकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी होगी, इन सबकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5, 2/3, 5/6 और 3/4, ठीक है। अब वैल्यू क्या दी है कि ये लेफ्ट कितने से है, 1200 उसके पास बचा था, तो इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 4 × 2 × 5 × 3, और हमें वैल्यू चाहिए क्या, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनके इक्वल होगा, ये डिनोमिनेटर में दिए हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको 5 × 3 × 6 × 4, ठीक है। तो ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं, देखिए 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गया, 3 से यहाँ गया, ये 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 2 यहाँ पे आ गया आपकी वैल्यू 3, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3600, ठीक है। यानी कि 3600 जो उसकी टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था, जिसमें से 1200 उसके बाद बचा था, टोटल वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तरीका था आपका परसेंटेज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, यहाँ पे ये वैल्यू आपको समझ में आई होगी आई होप कि ये हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं। देखिए जब कोई चीज़ रिड्यूस होती है तो हम उसको माइनस से शो करते हैं, और जब कोई चीज़ बढ़ती हो तो उसे प्लस से शो करते हैं, ठीक है। उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आगे बस 1 लगा दीजिए, ठीक है। उसके आगे 1 लगाने से आपको उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए मैं इतना ही यहाँ पर रोकता हूँ, आई होप आपको परसेंटेज समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, आपके सजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।